खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मंगलवार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी व टाइगर ग्रुप के बैनर तले में उपखंड अधिकारी महोदय आबू पर्वत को महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्र राठौड़ ने बताया है कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 वर्षीय बच्ची के साथ शमशान घाट के पंडित व उसके सहयोगी ने गैंगरेप कर जिंदा जलाने की जो दरिंदगीपूर्ण कथित घटना की गई है, उसके विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की है। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाकर बलात्कारियों व हत्या के दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा हो और पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग की है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए योगेश आदिवाल को माउंट आबू नगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गणेश राणा नियुक्त किया गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्र राठौर, आजाद समाज पार्टी जिला मीडिया प्रभारी जीतू राज परिहार, भीम आर्मी सिरोही वरिष्ठ जिला मीडिया प्रभारी दिनेश परमार, भीम आर्मी माउंट आबू नगर अध्यक्ष योगेश आदिवाल, नगर उपाध्यक्ष गणेश राणा, जिला महामंत्री भारती मेघवाल, युवा संघ सिरोही पिंटू मेघवाल दांतराई, पूर्व तहसील सचिव सुरेश मेघवाल, टाइगर ग्रुप कार्यकर्ता मुकेश प्रजापति, खुशवंत राणा, हरीश धवन, राजकुमार सैन, रणवीर सोनी, कैलाश डाबी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।